है दोस्तों आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो भी संघर्ष करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है, इसका एक क्रक्स हम ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जो भी दिया जलता है उसी दिए से उजाला होता है, बिना संघर्ष के बिना मेहनत के कोई भी चीज़ यहाँ नहीं मिलती है। मगर हम आपके लिए जो है फ्री में बहुत ही क्वालिटेटिव चीज़ ला चुके हैं, जिसमें हम द हिंदू, PIB, लाइव प्रिंट, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, सभी ऑथेंटिक सोर्सेस को अकाउंटेबल वे में और प्रोफेशनल वे में हम आपके लिए लेके आए हैं। कौन लाया आपके लिए? आप IAS आपके लिए लाया है। और ये प्रीलिम्स 2020 के लिए एनवायरमेंट इकोलॉजी का दूसरी सीरीज़ का पार्ट टू है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। कल की वीडियो में हमने जो बात की थी वो बात की थी कि किस प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं, फौना के बारे में हम बात कर चुके थे, गवर्नमेंट इंडेक्सेस और इंपॉर्टेंट लोकेशन हम जो है मैप मार्किंग के जरिए जो है वो आपके लिए कर चुके थे। तो दोस्तों आइए सीधे अब चलते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो रहने वाली है बेसिकली ओरिएंटेड रहने वाली है टेक्निक्स, पॉल्यूशन एमिशन, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और मिसलेनियस, ये टॉपिक बचे हुए थे, इनको प्रेजेंट कर रही है आप IAS की टीम। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पहला टॉपिक हमारा आता है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट डे। तो एनवायरनमेंट डे के बारे में एक पहला सा टॉपिक है कि जो अभी रिसेंट में जो है चाइना ने होस्ट किया था, जिसमें एयर पॉल्यूशन के ऊपर कुछ फैक्ट सामने आए थे कि 92% वर्ल्ड वाइड जितने भी पॉपुलेशन है वो क्लीन एयर जो है वो ब्रीथ नहीं करती। इसके अलावा जो एयर कॉस्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे वो 5 ट्रिलियन कॉस्ट करता है। इसके अलावा देखिए ओजोन लेयर जो है, अब जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन पॉल्यूशन है, मतलब देखिए दो तरीके का पॉल्यूशन होता है, देखिए ट्रोपोस्ट्रेटो, तीन तरीके के जो होते हैं हमारे, देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर। तो देखिए ग्राउंड लेवल के बीच में अगर यहाँ जो है ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, तो अगर यहाँ अगर ओजोन पॉल्यूशन होता है तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जैसे प्लांट हैं तो प्लांट की ग्रोथ को जो है ये डिस्ट्रक्ट करता है। तो इससे क्या यहाँ पे ये रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि ग्लोबल ओजोन पॉल्यूशन जो है इससे क्या होगा, क्रॉप यील्ड जो है वो 26% जो है पूरी तरीके से कम हो जाएगी। इसके अलावा देखिए इंडिया ने जो है रिसेंट में जो है नेशनल क्लीन एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया था। NCAP के क्या टारगेट्स हैं, देखिए NCAP ये कहती है कि टू टैकल एयर पॉल्यूशन, और इसका टारगेट यह है कि 20-30% PM 2.5 और PM 10 जो है वो कंसंट्रेशन रिड्यूस करना है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद कर लीजिए कि 20-30% है। अब UPSC ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि 40-50% जो है एमिशन जो है वो रिड्यूस करना जो है NCAP का टारगेट है, बट ये बिल्कुल नहीं है, इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। इसके अलावा देखिए WED ने जो है 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ की जो है अभी लिस्ट जारी की है, और जो ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है वो कंसिस्टेंटली जो है नाकम्स के अकॉर्डिंग, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है कंप्लाई नहीं कर रही थी। तो दोस्तों ये देखिए, तो इसमें जो है ये नेशनल क्लीन एक्शन प्लान जो है वो एक चीज़ और डिलीनिएट, एक चीज़ और आउटलाइन करता है कि जो पूरा नेशनल क्लीन एक्शन प्लान है उसके सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन क्या क्या हैं। देखिए इसमें ये काम इनको ये करना है सिटीज़ को कि उनके पहले सबसे पहला ये आइडेंटिफाई करना है कि पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, उसके अलावा उसको कैसे उनको टैकल करना है। तो ये जो प्लान डॉक्यूमेंट है NCAP का वो अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट है और सोल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, ये बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डू NCAP प्लान इज़ लीगली बाइंडिंग। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि द प्लान डॉक्यूमेंट इज़ नॉट बाइंडिंग, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आगे जान लेते हैं कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम अभी गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में दूसरा पोर्शन है। तो इंडिया की ये पहली अपने आप में एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है। तो देखिए एक इंटरनेशनल लेवल पर शुरू चलता है कार्बन एमिशन रिडक्शन यूनिट, तो इसी के बीच में एक निर्धारित यूनिट है उसी के अंतर्गत जो है ट्रेड होता है। तो इसी प्रकार से जो गुजरात की गवर्नमेंट है वो ला चुकी है सीरू। तो ये सीरू क्या है दोस्तों, देखिए ये सीरू ये है कि अगर आप देखेंगे नेशनल लेवल पर जो है एक पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये पॉल्यूशन बढ़ने के कारण जो है बहुत सी दिक्कतें स्टेट्स को जो है वो उठानी पड़ रही हैं। तो देखिए गुजरात गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया है, देयर विल बी अ कैप ऑन द एमिशंस। तो देखिए इसमें क्या है, कैप और ट्रेड सिस्टम है, इसमें क्या होगा मास पॉल्यूशन पे जो है वो रोक लगेगी। कैसे लगेगी कि फैक्ट्रीज़ को जो है एक परमिट दिया जाएगा और उसमें एक सर्टेन अमाउंट जो है वो पॉल्यूशन जो है वो उसके ऊपर कैप रख के वही उसी के बीच में ट्रेड होगा, और यही परमिट में जो है खरीदा और बेचा जाएगा क्या कितना एमिशन फैक्ट्री कर सकती है, और हर फैक्ट्री का ये परमिट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। और इस परमिट में के बाद क्या होगा कि इसी जो एमिशन है उसी का अगर कोई कम जो है अटेंड करती है, मतलब जैसे मेरा टर्नओवर $1 का है तो मेरे को मिला 5 टन जो है आप जो है एमिशन कर सकते हैं, तो मेरा $1 में मेरा एमिशन 3 टन हो गया, तो मैं अपना 2 टन जो है वो किसको बेच सकता हूँ, वो जिसको 2 टन की ज़रूरत है जो बिग एंटरप्राइजेज हैं। तो एक तरीके से जो ये अलाउ करता है जो छोटी कंपनीज हैं उनको भी इक्विप होने का मौका देता है, पूरी तरीके से ग्रो होने का मौका देता है कि आप भी जो है
निर्धारित स्टैंडर्ड पे जो है जल्द से जल्द आ जाइए। तो इसके अलावा देखिए, ये टोटली विन विन सॉल्यूशन है, जो फैक्ट्रीज हैं उनके एक्सपेंसिव मेथड्स को जो है ये रिड्यूस करेगा, और फैक्ट्री जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो इसकी मदद से जो है पूरी तरीके से वो डेवलप कर सकते हैं क्या कंप्लायंस स्टैंडर्ड। तो आगे बात करते हैं M16 ब्लेंड क्या है। M15 ब्लेंड जो है वो अपने आप में जो है मिथेनॉल का ब्लेंड है, और ये मिथेनॉल इसमें 15% है प्लस गैसोलीन इसमें 85% है। तो दोस्तों आगे जानते हैं M15 ब्लेंड के बारे में थोड़ा सा और। तो ये जो है M15 ब्लेंड जो है ये BS4 नॉर्म्स का रिजल्ट था। ये इसमें क्या था कि जो है एमिशन को जो है हमें कार से जो है रिड्यूस करना है, तो BS4 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है M5 ब्लेंड फ्यूल का हम यूज़ कर रहे थे। तो अब हम क्योंकि BS6 की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की ब्लेंडिंग मेथड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आगे बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये लॉन्च इसी में जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें जो है 8 पॉल्यूटेंट्स हैं दोस्तों, जो कि सिंगल नंबर वैल्यू में होंगे, और इनका नॉमनक्लेचर और नेम के हिसाब से, नेम कलर और नॉमनक्लेचर के हिसाब से जो है ये डिवाइड होंगे। तो इसमें जो है 6 कैटेगरीज हैं। पहली है गुड, फिर सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटरी, पॉल्यूटेड, पुअर और सीवरी, पुअर और सीवरी, वेरी पुअर और सीवर। तो ये AQI जो होता है उसमें 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। कौन कौन से? PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, CO3, NH3 और लेड। ये 8 के 8 चीज़ें आपको याद कर लेनी है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जानी है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो होता है ये चीज़ें जो है काफ़ी बारी UPSC पूछ लेता है। तो इसके 24 आवर्स में जो है ये मॉनिटर किया जाता है अंडर नाकम्स, जैसे नाकम्स ने प्रेस्क्राइब किया है। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि AQI कैसे वो होता है। तो देखिए दोस्तों, एक निर्धारित क्राइटेरिया सेट किया गया है कि गुड के लिए क्या होगा, 0 से 50 होना चाहिए, और देखिए सेटिस्फैक्ट्री के लिए 51 से 50, 101 से 250, 251 से 300, 351 से 450, फिर 430 प्लस। तो वैसे ही यहाँ पर एक स्टैंडर्ड एक जो है तय किया गया है। तो ये चार्ट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको जान लेना ज़रूरी है कि ये जो आपके 6 मतलब टोटल 8 जो है वो इनको जान लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आर्मी ने जो है हाल ही में जो है ई कार को जो है लॉन्च किया है। तो ये किस लिए किया गया है? आर्मी ने जो है अभी एयर पॉल्यूशन से कॉम्बैट करने के लिए जो है ई कार्स का यूज़ करना शुरू करा है ESL के साथ। तो इसके साथ जो है ESL के साथ 4 और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो काम कर रहे हैं, NTPC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कमीशन और कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ESL है। इसमें एक पॉइंट और मैं एडिशनल आपके लिए दे रहा हूँ कि इसने जो है उजाला स्कीम के अंतर्गत जो है लार्जेस्ट LED डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जो है शुरू किया है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स जितने भी हैं। तो BS6 नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। BS6 नॉर्म्स जो हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है 2020 से हम डायरेक्ट जो है BS4 की जो के बाद BS5 में ना करते हुए सीधे BS6 नॉर्म्स जो हैं वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन भी UPSC पूछ सकती है, द BS6 नॉर्म्स आर रिलेटेड टू ए ऑटोमोटिव, मोबाइल इंडस्ट्री, बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सी और इंडस्ट्री। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्या कि दीज आर रिलेटेड टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए इसमें होने वाला क्या है कि BS6 नॉर्म्स में जो है वो 2, 3 और 4 व्हीलर्स पे जो है अप्लाई होंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होंगे उनको ऐसे वो करना होगा कि जो कंप्लाई कर सके BS6 नॉर्म्स के साथ। तो ये बेसिकली ओरिएंटेड होने वाला है एयर पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए, और गवर्नमेंट ने जो है इसी को देखते हुए BS6 नॉर्म जो है BS5 ना अडेप्ट करते हुए अडेप्ट किए हैं। तो 2020 अप्रैल से जो है BS6 नॉर्म्स जो है वो लागू होने वाले हैं, जिसमें कि इंडिया को जो है कंप्लाई करना है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की जब हम बात करते हैं तो ये जो है 10 अगस्त को जो है वो देखा जाता है। तो ये बेसिकली किस लिए होता है? क्योंकि जो होता है इम्पॉर्टेंट, इसमें जो होता है इंपॉर्टेंस होती है नॉन फॉसिल फ्यूल्स की और कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल की। तो इसमें क्या होता है, जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं दोस्तों वो क्या होता है, जैसे कि हम वुड यूज़ करते हैं और भी अन्य चीज़ें यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता यह है दोस्तों इस क्योंकि कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं तो इसमें आपका जो है पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। पॉल्यूशन बढ़ता है तो दोस्तों ये जो होता है बहुत दिक्कत करता है। तो इसमें क्या है, जो अभी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हुआ था उसमें प्रोडक्शन, इसकी थीम ये थी प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम कुकिंग ऑयल UCO, तो ये इसकी थीम थी। तो इसमें क्या किया गया था कि कंटेम्प्रेरी प्रोसेस से और बायोमास से जो है लगास और सुक्रोज से जो है वो शुरू करने की जो है बात की थी कि बायोफ्यूल को जो है बनाना शुरू कर दिया जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, BS6 नॉर्म्स के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स।
देखिए बायोफ्यूल्स जो होते हैं 1G, 2G, 3G और 4G, इसके अलावा 5G और 4G बायोफ्यूल जो है वो भी आ चुके हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल हैं तो वो क्या हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज से जैसे फूड सोर्सेज हुआ, शुगर केन, वेजिटेबल ऑयल से जो जनरेट होते हैं, मतलब जो बेसिक लेवल पर होते हैं। 2G क्या हैं, 2G वो हैं जो कि नॉन फूड क्रॉप्स, स्टेपल और इनसे जो है जनरेट होते हैं। थर्ड जनरेशन क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलगी में, जब हम जो एलगी के जरिए जो है ये प्रोड्यूस करने लग जाते हैं क्या बायोफ्यूल। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि आगे क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो देखिए अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है ट्राइफेड गेस लॉन्च किया। तो ये ट्राइफेड गेस क्या है, ट्राइबल कॉर्पोरेशन ऑफ मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम है, ये जो है ट्राइफेड है। तो ये गेस क्या है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो है सबसे बड़ा ट्राइबल मूवमेंट जो कि बैम्बू नोमिक्स यानी कि बैम्बू प्लस इकोनॉमिक्स को मिला के ये शब्द बना हुआ है, पूरी कंट्री में प्रमोट करने के लिए जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये इसलिए लॉन्च किया गया है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत क्या होने वाला है दोस्तों, कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज ये ट्राइबल लोग जो देंगे उनको जो है अर्निंग करने का एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। और इससे क्या होगा कि ट्राइबल्स की जो इनकम है वो ट्राइफेड के जरिए जो है एक बिजनेस मॉडल में जो है बदलने की जो है बात गवर्नमेंट कर रही है। और इसमें जो है ट्राइफेड के साथ जो कॉर्पोरेशन कर रहा है वो है जर्मन कॉर्पोरेशन गिस। तो आपको ये याद करना है कि द टर्म गर्म गिस जर्मन कॉर्पोरेशन रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू इट इज़ रिलेटेड टू बैम्बू नोमिक्स एंड ट्राइबल अफेयर्स, आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो आइए गवर्नमेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट में आपको दूसरी चीज़ की ओर ले चलते हैं, अगन। तो ये है जो अगन है ये है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। तो इसमें क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग सेक्टर में बढ़ाने के लिए बेसिकली ये जो है कॉन्फ्रेंस है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा जो है इन कोलैबोरेशन विद गिस जो है वो शुरू की जा रही है विद जर्मन टेक्निकल कॉर्पोरेशन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि द अगन ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल एंड न्यू हैबिटेट इट इज़ स्टार्टेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो दी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद कोलैबोरेशन विद गिस अंडर जर्मन टेक्निकल कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों इसके अलावा देखते हैं ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सिस्टमेटिक सस्टेनेबिलिटी और फीडबैक लूप होल्स को जो है फॉर बेटर एफिशिएंसी। तो ये देखिए कि बी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो है ये BEE जो है वो कौन सी एजेंसी है। इसके अलावा देखिए ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है ताकि गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजाइज एट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो कि एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडिया है उसको जो है रिड्यूस करने की जो है गवर्नमेंट को पूरी तरीके से ये एक हेल्प करती है। तो आगे जानते हैं सरल इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है सरल इंडेक्स गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है। ये सरल इंडेक्स जो बेसिकली है वो इसलिए है कि जो स्टेट में जो है सोलर रूफ टॉप का जो है अट्रैक्टिवनेस कितना है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इसमें फर्स्ट आती है। तो इसमें जो है स्टेट को जो है एवेल्युएट किया जाता है, इंडियन की स्टेट्स जितने भी हैं कि उनकी सोलर अट्रैक्टिवनेस कितनी है रूफ टॉप पे, यानी कि सोलर अट्रैक्टिवनेस की जब मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे जो है इतना एनवायरनमेंट कितना है कि जो उनकी सोलर जो उनकी रूफ्स हैं वो सोलर इक्विप्ड हो जाएं और वहाँ पे जो है सोलर पैनल्स का यूज़ होना जो है शुरू हो जाए। तो इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट नंबर वन दिख रही है। इसके अलावा देखिए ये भी कई बार UPSC जो है पूछ सकती है, अभी तक तो UPSC ने स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना शुरू नहीं किया है मगर ज़रूर पूछ सकती है क्योंकि UPSC जो है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, UPSC की मैं फुल फॉर्म यही मानता हूँ। तो आप इसको ज़रूर देखिए। इसके अलावा देखिए ये स्टेट्स को एनकरेज करती है टू हैव अ स्टेट एक्सेस टू इनिशिएटिव्स टेकन सो फार और ये इम्प्रूव रूफ टॉप इसको इकोसिस्टम। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ और ये जो है डिज़ाइन किया गया मतलब कंबाइंडली बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लस शक्ति सस्टेनेबल फाउंडेशन प्लस अक्षोम एंड आंस्ट यंग, ये आप नाम याद कर लीजिए, थोड़ा सा एक आध नाम टिपिकल भी है बट ये याद करने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि 10 इंडेक्स इज रिसेंटली रिलीज बाई, ये बहुत ही UPSC का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। MNRE जो है उसने टारगेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने कि 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2022 और 100 गीगावाट जो है ऑपरेशनल कर देना है बाई 2022 तक। जो 175 गीगावाट है उसमें से जो है 100 गीगावाट 2022 तक ऑपरेशनल और 40 गीगावाट जो है वो ग्रिड कनेक्टेड सॉफ्टवेयर के सोलर प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों इसके अलावा जानते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में। तो ये नीति आयोग ने हाल ही में रिलीज किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ
दो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, नीति आयोग प्लस जल शक्ति मिनिस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये 2.0 वर्जन है इसका, तो ये इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है स्टेट की जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की जो है टोटल, मतलब उसमें स्टेट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और इसमें जो है ये अपने आप में पहला डाटा है ऑन द वाटर मैनेजमेंट। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो ये जो है स्टेट को जो है 2017-18 के उसमें बेस ईयर अगेंस्ट बेस ईयर जो है 2016-17 पे जो है रैंक करता है, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट नंबर वन है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटका है। तो ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बताता है कि 80% स्टेट्स ने जो है इंप्रूवमेंट दिखाई है इन इंप्रूविंग देयर वाटर मैनेजमेंट कैपेसिटी। तो अगला वो है इंडेक्स है प्रोजेक्ट रीप्लान। तो प्रोजेक्ट रीप्लान का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। तो ये जो है इनिशिएट किया गया है KVIC, अब प्लास्टिक रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर कहा गया है। तो कई लोग इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल या किसी एक NGO का नाम कोट कर देंगे जो इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है काम कर रही है। तो इसके अलावा देखिए ये क्या एम करता है, ये एम ये करता है टू रिमूव प्लास्टिक मटेरियल इन नेचर एंड इट्स यूज इन सेमी परमानेंट मैनर। इसके अलावा देखिए जो प्रोजेक्ट है वो इसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है कलेक्ट किया जाता है, चॉप किया जाता है, क्लीन किया जाता है, बीट करके इसे ट्रीट करके जो है दोबारा से रिड्यूस रियूज रिसाइकल। अब देखिए मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात की थी 5R के बारे में, अब ये 5R क्या थे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो आगे जानते हैं कि प्रोजेक्ट रीप्लान जो है उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे देखते हैं गंगा पहाड़ी जो है वो अभी हाल ही में जो है एक सेल्फ मोटिवेटेड वॉलंटियर ग्रुप है जो गंगा की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है। तो ये जो ग्रुप है ये WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है क्रिएट किया गया है, जिसमें 427 वॉलंटियर जो है वो घर घर जाकर जो है गंगा के लिए जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और गंगा की इंपॉर्टेंस के बारे में जो है उसकी इन बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के बारे में जो घर घर जाके बताएंगे। तो ये हार्ड वर्क कर रहा है इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और क्लीनिनेस ऑफ रिवर गंगा। तो आगे जानते हैं तो गंगा पहाड़ी क्या है ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए पेस सेटर फंड प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है वो लॉन्च किया है, इसमें 4 प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं। तो ये जो है पेस सेटर जो है वो क्या है, वो इंडिया और यूएसए का कंबाइंड जॉइंट फंड है, जिसमें कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव ऑफ ग्रिड क्लीन टेक्नोलॉजी को जो है प्रमोशन के लिए ये जो है फंड बनाया गया है। और इसमें क्या होता है अर्ली स्टेज में जो है ग्रांट्स जो है बिजनेस के लिए दिए जाते हैं ताकि इनोवेटिव प्रोडक्ट जो हैं किस फील्ड में ये आपके आए अफोर्डेबल कमर्शियल इनोवेटिव ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ये आप याद रखिएगा कि पेस सेटर प्रोग्राम जो है वो क्या है, बायलेटरल फंड है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया जो कि 2015 में बना था। इसके अलावा देखिए वर्किंग ऑन वार्मर प्लैनेट जो है ये एक रिपोर्ट ILO के द्वारा जो है रिलीज की गई है, जिसका नाम है वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लैनेट द इफेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी इन रिसेंट वर्क। तो इसमें ILO ने क्या कहा है कि 2030 तक जो है इक्विवेलेंट 2% ऑफ द टोटल वर्किंग आवर्स जो है रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जो पूरा प्लैनेट है वो वार्मर हो जाएगा और इससे कई जगह इनहैबिटेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, क्योंकि या तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा काम का जो पेस है वो कम हो जाएगा। और इंडिया के लिए ये बहुत मेजर कंसर्न है, क्योंकि 5.8% ऑफ द वर्किंग आवर जो है वो रिड्यूस होने वाले हैं 2030 तक। और ग्लोबल वार्मिंग जो है इंडिया के एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी जो है बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करने वाली है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है वो हाल ही में जो है FSI ने जो है रिलीज़ कर दिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो ये जो है पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 24.9% जो है ये अंडर फॉरेस्ट कवर है। ये जो रिसेंट में पार्लियामेंट ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज द्वारा जो डाटा रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ये असेसमेंट जो किए जाते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं और इसे रिलीज़ करती है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज। तो आप ये बात याद कर लीजिए कि असेसमेंट केवल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, मगर जो इसके रिलीज होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज के द्वारा किया जाता है। और ये जो पब्लिश होती है वो रिपोर्ट जो होती है लास्ट जो पब्लिश हुई थी 2017 में हुई थी। तो इसमें जो है लोएस्ट ट्री कवर जो है हरियाणा के पास है और 6.97% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। वहीं बात जब करें कि 97% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया के साथ जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप जो है वो टॉप करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का टोटल जो एरिया अंडर ट्री कवर है वो 85,487 स्क्वायर किलोमीटर और हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। तो हाल ही में जो है ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये जो है ये क्यों लॉन्च किया है, ये इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि 12 बीचेज जो हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंतर्गत जो है लॉन्च की गई है। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है दोस्तों, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है इसमें क्या होता है, जो मेराइंस और बीच होती हैं ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन FEE फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा जो है फंड की जाती हैं। इसमें जो होती हैं 33 क्राइटेरिया हैं
जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है उसमें वाटर क्वालिटी, अवेबिलिटी ऑफ वाटर डिस्पोजेबल वेस्ट, उसके अलावा देखिए ये जो है बीचेज जो सेलेक्ट की गई हैं वो शिवराजपुर गुजरात, ये सभी मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। शिवराजपुर गुजरात, बोगावरे महाराष्ट्र, गोगला दीव, मीरामपुर गोवा, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको एक बार देख करके मैप मार्किंग में जो है आप मैप मार्किंग कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो जाता है अगर आप जो है एक स्ट्रेटजी के साथ जो है तैयारी करें। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे मेरे हिसाब से आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जा रहा है, तो आप ये एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि जो बेसिक स्कीम्स हैं उनको कवर कर लिया जाए। तो आगे जाते हैं कुसुम, तो कुसुम क्या है? कुसुम जो है लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के, जिसका नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो ये कुसुम स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर ग्रिड एंड सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी ऑफ 2 मेगावाट्स इन रूरल एरियाज, के अलावा जो है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड वाटर पंप टू फुलफिल द इरीगेशन नीड्स ऑफ फार्मर कनेक्टेड। इसके अलावा जो है सोलराइजेशन की बात करती है एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर पंप की, और इंडिपेंडेंट ग्रिड सप्लाई देने की जो है ये बात करती है डिस्कॉम के जरिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुझे लगता है कुसुम स्कीम जो है हम कवर जो है उसमें भी कर चुके हैं, जो हमारा वीकली करंट अफेयर चलता है उसमें भी आप उसकी वीडियो भी देख लीजिएगा अपना जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर करने के लिए। तो देखिए इसके अलावा इंडिया ने हाल ही में जो है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, ई क्लिनिक सबसे पहला जो है इंडिया ने भोपाल में लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग और डिस्पोजल होता है वेस्ट का बहुत कमर्शियली एंड हाउस होल्ड लेवल पे, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो डोर टू डोर गवर्नमेंट जो है कलेक्ट कर रही है। इसके अलावा देखिए ओडिशा पहले फ्लड इंडेक्स के साथ आता है, जिसमें ओडिशा में जो है हिस्टोरिक इनंडेशन, फ्लड और इनंडेशन दो टर्मिनोलॉजी हैं। इनंडेशन का मतलब है कि जो ऊपरी ज़मीन है उसमें उसको जो है इनंडेट हो जाना, मतलब पूरी तरीके से पानी में डूब जाना। तो सैटेलाइट इमेजनरी के द्वारा 2001 से लेकर 2018 तक ये एक्सपेक्ट किया गया है कि स्टेट जो है मोर प्रोन हो चुका है फ्लड्स के द्वारा। तो ये जो सर्वे किया गया है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो के जॉइंट प्रयासों से हुआ गया है, और ये हजार डोनेशन इसके अंतर्गत जो है उड़ीसा का पूरा किया गया है। तो आगे जानते हैं, इंडिया ने जो है फर्स्ट गैराज कैफे लॉन्च किया छत्तीसगढ़ में। तो इसमें जो है इंडिया प्लास्टिक फ्री की ओर बढ़ रहा है, और इसमें क्या होता है, ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में आप ये लिख सकते हैं कि एक रैक पिकर को जो है एक किलो प्लास्टिक के बदले जो है खाना दिया जा रहा है और ब्रेकफास्ट दिया जाएगा आधे किलो के, उसमें कितना अच्छा इनिशिएटिव, आप इसको सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में कोट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्टेट वाटर पॉलिसी मेघालय लेके आ गया है पहली स्टेट वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी क्या एम करती है, बेसिकली एम करती है डेवलपमेंट मैनेजमेंट और यूज़ ऑफ वाटर को इन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, स्टेट को वाटर सैनिटेशन विलेज काउंसिल बनानी होगी जिसमें टू इंप्लीमेंट द स्मूथ पॉलिसी। इसके अलावा देखिए ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम अगला टॉपिक हमारा आ जाता है। तो ये इसमें देखिए चार पांच सिस्टम मैं डिस्कस करूँगा, पैट सिस्टम, इरी, बावड़ी और रेजवाड़ी, जो भी लोग अपने अपने एरिया से हैं उससे रिजेंबल करते हुए चलें। पैट सिस्टम में क्या होता है, मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है, और इसमें क्या होता है जो वाटर हिल स्ट्रीम से जो होता है वो डाइवर्ट किया जाता है इनटू इरीगेशन चैनल। वहीं इरी क्या है, ये टैंक इरीगेशन सिस्टम है तमिलनाडु में पाया जाता है, और ये जो है हेल्पफुल किसके लिए है, फ्लड कंट्रोल के लिए। इसके अलावा बावड़ी की जब हम बात करते हैं तो ये एंशंट यूनिक स्टेप वेल मेथड है, ये राजस्थान का एक मेथड है। वहीं जब रेजवानी की हम बात करते हैं तो ये वाटर कंजर्वेशन मिशन है राजस्थान का, जिसमें कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वाटर बेरी में लाया जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे हम जानते हैं कि और कौन कौन सी जो है स्कीम्स जो है बची हुई हैं। देखिए इसके अलावा देखिए टेक्निक्स थोड़ी सी बची हुई हैं, फूड फोर्टिफिकेशन हाल ही में जो है वो WHO की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि जो फूड है वो जिसे हम कहते हैं हिडन हंगर, HH लटम हिडन हंगर, ये किसके लिए रेफ़र करता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो इसके ऊपर एक वीडियो अलग से रहेगी तो मैं उसमें आपको ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए फूड फोर्टिफिकेशन की जो है टेक्निक जो है वो क्या है, एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक जिंक, आयरन, विटामिन ए, डी टू द स्टेपल क्रॉप एंड राइस। इससे क्या होता है कि जो फूड में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा देखिए स्पॉट पॉट लाइनिंग SPL जो है वो क्या है, स्पॉट पॉट लाइनिंग जो है वो एक वेस्ट मटेरियल जो कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग से पैदा होता है। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग से जो क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ कुछ मेटल जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये SPL जो होता है वो क्या होता है, वो हाई लेवल साइनाइड और फ्लोराइड का कंटेंट होता है जो कि कैंसर कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसरस होता है, और इसमें जो होता है ये क्या और भी कहलाता है, ये स्पेंट सेल लाइनर भी कहलाता है। तो आप ये याद कर लीजिए, स्पेंट सेल लाइनर इन यूज रिसेंटली इस
इज अ वेस्ट मटेरियल रिलीज्ड बाय एल्युमिनियम स्मेल्टिंग एनर्जी इंडस्ट्री. इट इज़ अ एल्युमिनियम, मतलब ये क्या है, इट इज़ एक्सट्रैक्ट ऑफ साइनाइड एंड फ्लोराइड. तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से. तो अभी जो है मियाकवारी टेक्निक जो है वो क्या है, ये जापानीज़ टेक्निक है डेंस प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए. तो इस मेथड में क्या होता है, ये बेंगलुरु के एक्टिविस्ट ने जो है शुरू किया है. और इसमें क्या होता है कि प्लांटेशन जो होता है वो डेंस किया जा सकता है विद इन फ्यू ईयर्स. मगर इसमें जो कंसर्न जो था वो ये था कि इनके पास जो है नेचुरल फॉरेस्ट की जो है क्वालिटी वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि मेडिकल प्रॉपर्टीज़ रिगेन करने के लिए ये जो है मियाकवारी टेक्निक जो है वो काम कर रही है. अब प्लान बी फॉर वाइल्ड एलिमेंट क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो हनी बीज हैं वो नेचुरल मिटिगेशन साबित हो रही हैं किसके लिए, एलिफेंट जो है उनके ह्यूमन हैबिटेट्स के अंतर्गत. इसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमन हैबिटेट्स में दूर रखने के लिए जो है बीज का प्रयोग किया जा रहा है. बी मतलब मधुमक्खी को जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कोयम्बटूर ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था और वास्तव में इसे सक्सेसफुल पाया था कि जो है एलिफेंट जो है जो कई बारी जो खेतों में नुकसान कर देते हैं उससे बचा जा सके इसको लेके. तो अब मिसलेनियस सेक्शन हमारा लगभग आखिरी सेक्शन चल रहा है. तो ये न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी फार्मर के लिए क्या है, ये जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि पीएम के द्वारा चेयर की जाती है, उसने हाल ही में जो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर फिक्सेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर जो है 2019-20 के लिए जो है रिलीज़ कर दिए हैं. तो ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा. इसके अलावा देखिए इसमें जो है सब्सिडी भी दी जाएगी एनुअल बेसिस पे, जिससे कि जो है सब्सिडाइज्ड जो है फार्मर पीएनके फर्टिलाइज़र जो है वो फार्मर ले सकें. अब स्टेल्थ ब्लिट क्या है, ये देखिए एक डिजीज़ है जो कि कॉज होती है राइजोकॉटनिया सोलेनी के नाम से, यानी कि ये जो डिजीज़ कॉज होती है वो राइजोकॉटनिया सोलानी एक बैक्टीरिया है उसके कारण होती है. तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड लीव जो होती हैं वो ड्राई आउट हो जाती हैं, और क्योंकि इन्फेक्टेड लीव जो होती हैं वो ड्राई आउट हो जाती हैं तो इससे क्या होता है जो कैनोपी उस एरिया की है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है. और राइस स्टेल्थ जो होता है वो मेजर कंसर्न होता है राइस प्रोडक्शन के लिए इन इंटेंसिफाइड प्रोडक्शन सिस्टम. अब लीची की हम जब बात करते हैं तो ये एवरग्रीन ट्री है इन द सोप बेरी फैमिली. तो इसमें क्या होता है ये एक ट्रॉपिकल ट्री है साउथ ईस्ट एशिया का, जो कि चाइना इसमें जो है मेजर प्रोड्यूसर है लीची का. इसमें इंडिया इसको सेकंड पोजीशन पे है. ये जो होता है मिथाइल क्रोपोप्रोपाइल, इसमें एक चमकी बुखार भी जो है वो लीची के जरिए होता है. तो ये किस लिए होता है, जो माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे होते हैं वो हाइपोग्लाइसिल ए जो है वो जो कि एक टॉक्सिक है वो रिलीज़ करती है कौन लीची. और अगर माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे इसको खा लेते हैं तो वो जो है कोमा में चले जाते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोमा में चले जाते हैं. और सवेरे जो है ये इस पर अभी डिबेट चल रही है, ये कुछ साइंटिस्ट का कहना है. तो अब लास्ट वीडियो के कुछ अंत में हम बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट चेंज. तो ये NTCA जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो है कंस्टिट्यूट की गई थी. और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोलॉजिकल कंसर्न को एड्रेस करती है अबाउट द टाइगर्स. और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं. अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के अंतर्गत जो है बनाया गया था. मगर जो है CPCB को जो है पावर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भी मिलती है. और जो इसके मेन फंक्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं, क्योंकि CPCB जो है लगातार न्यूज़ में रहती है. तो ये जो है टू प्रमोट क्लीनिनेस अमंग द स्ट्रीम्स, इसके अलावा टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, कंट्रोल एबेट एयर पॉल्यूशन. इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का. तो ये दमन गंगा पिंजल लिंक प्रोजेक्ट, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है. गोदावरी कावेरी लिंक प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केन बेतवा के जो है MP और UP के बीच में है दोस्तों. तो आगे जानते हैं, ये देखिए इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का जो है हम पूरा इन्फोग्राफिक आपके लिए ला गए हैं. ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अर्बन प्लानिंग और जो है वाटर कंजर्वेशन के लिया गया है. अभी जो है हाल ही में लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि दो स्पीसीज जिंजिबर की जो है वो पाई गई हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा. तो ये क्या है, जिंजर की स्पीसीज़ हैं जो नागालैंड से पाई गई हैं. तो ये पेरेंट डिस्ट्रिक्ट नागालैंड की से जो है पाई गई हैं. और ये जिंजर की जो वो उन वेराइटीज़ में है जिनमें मेडिसिनल वैल्यूज़ है. तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बस उसके अंत पे हम आ चुके हैं. हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो है आप लोग जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं. तो जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं APJ अब्दुल कलाम जी के एक थॉट के साथ, जो कि कहता है
कि थिंकिंग इज़ अ कैपिटल, एंटरप्राइज इज़ अ वे एंड हार्डवर्क इज़ द सॉल्यूशन। तो दोस्तों जैसे कि हम कहते हैं हमेशा कि सोचिए और एंटरप्राइज जो है वे है, यानी कि आप IAS वो वे है और आपका हार्डवर्क ही आपकी सक्सेस जो है वो लाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।